आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कथन, ठीक है, कथन लिख दिया हुआ है कि डेविसन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन पुंज से संबंध तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने के साथ कम हो जाती है, ये हमारा कथन है, ठीक है। अब कारण दिया गया है कि डेविसन जर्मर प्रयोग में इलेक्ट्रॉन पुंज से संबंध तरंग दैर्ध्य का मान होता है लेमडा बराबर एच अपॉन टू एम के, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कथन, उसके बाद फिर कारण के बारे में। देखिए कथन जो दिया गया है, हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज से संबंध तरंग दैर्ध्य होता है, मतलब उस तो अगर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ाएं, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ने के साथ कम हो जाती है, मतलब अगर हम गति बढ़ाएंगे, गति बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन पुंज का जो तरंग दैर्ध्य होता है, गति बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य जो है कम हो जाता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। तो यह बात बिल्कुल सही दी गई है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही, स्टेटमेंट हमारा जो है वह सही दिया, मतलब कथन हमारा जो है वह सही दिया गया, ठीक है। अब बच्चों इसे कारण के बारे में बात करते हो, कारण मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पुंज से संबंध तरंग दैर्ध्य का मान होता है, मतलब लेमडा जो है, वेवलेंथ जो है उसका मान होता है एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू एम के, ये भी सही है कि लेमडा जो होता है उसका जो मान होता है वो होता है एच अपॉन टू एम के, मतलब ये आता कहाँ से, ये ऐसे आता है लेमडा बराबर एच अपॉन पी, एच अपॉन पी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू एम के, ठीक है, के एनर्जी यहाँ पर कैटिक, यहाँ से लेमडा यानी कि वेवलेंथ और इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकल आएगा, तो हमारा जो है जो कारण है वह भी यहाँ पर सही दिया, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह यहाँ पर सही है, कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर वेवलेंथ का भी रिलेशन है और यहाँ से वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ही मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और ये एक स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है, ठीक है। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।